आज हम लोग इस लेक्चर में साइटोलॉजी का सिलिया एंड फ्लैजिला वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी का सिलिया एंड फ्लैजिला वाला टॉपिक या पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए सिलिया और फ्लैजिला क्या है। देखो पहले, सेंसरी स्ट्रक्चर मेंट फॉर लोकोमोशन। सिलिया और फ्लैजिला दोनों जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है? सेंसरी स्ट्रक्चर है, संवेदी संरचना है। क्या काम करते हैं? मेंट फॉर लोकोमोशन, यानी गमन के लिए आवश्यक है। ठीक, अब देखिए बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फ्लैजिला है। अब ये फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को कई कैटेगरी में बांटा गया है। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। क्लियर हुआ? अब आप देखिए, ए ट्राइकस का मतलब ऐसी बैक्टीरिया जिसके सतह पर कोई फ्लैजिला ना पाया जाता हो, यानी क्या कह सकते हैं, ऐसी बैक्टीरिया जिसके सतह पर कोई फ्लैजिला ना पाया जाता हो, यानी फ्लैजिला अब्सेंट होगा। ठीक, अब दूसरा आता मोनोट्राइकस, ऐसी बैक्टीरिया जिसके एक सतह पर सिंगल फ्लैजिला पाया जाता हो, यानी सिंगल सिंगल फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड, एक सिरे पर सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। एम्फीट्राइकस, ऐसी बैक्टीरिया जिसके दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, ऐसी बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, यानी सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड, दोनों सतहों दोनों एंड पर पाया जाता है। अब आता सिफाइलोट्राइकस और एक आता लोफोट्राइकस। अब देखिए सिफाइलोट्राइकस का मतलब जो बैक्टीरिया के एक सिरे पर जो फ्लैजिला का ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक सिरे पर फ्लैजिला का समूह पाया जाता। लोफोट्राइकस, बैक्टीरिया के जब दोनों सिरे पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला पाया जाता, यानी क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, यानी बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर अगर फ्लैजिला समूह के रूप में पाया जाता है उसको हम लोफोट्राइकस। पेरीट्राइकस, बैक्टीरिया के पूरे ऑल सरफेस, सभी सतह पर, यानी क्या कह सकते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट ओवर ऑल सरफेस, फ्लैजिला प्रेजेंट ओवर ऑल सरफेस, बैक्टीरिया के पूरे सतह पर अगर फ्लैजिला पाया जाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस। फिर से एक बार देख लीजिए, बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फ्लैजिला है, यानी बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को कई कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो एट्राइकस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला पाया तो जाता है लेकिन सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड, उसके एक सिरे पर एक फ्लैजिला पाया जाता है। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, इसके दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला पाया था, सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड लिखा है। और सिफाइलोट्राइकस का मतलब फ्लैजिला तो पाया जाएगा लेकिन ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, इसके एक सिरे पर फ्लैजिला ग्रुप में पाया जाता है। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में हो गया ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का समूह तो पाया जाता है लेकिन बोथ एंड, दोनों एंड पर फ्लैजिला समूह के रूप में पाया जाता है। और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया मतलब ऐसी बैक्टीरिया जिसके उसके पूरे सतह पर फ्लैजिला पाया जाता है, यानी लिखा है फ्लैजिला प्रेजेंट ओवर ऑल सरफेस, फ्लैजिला प्रेजेंट ओवर ऑल सरफेस, सभी सतह पर पाया जाता है, तो क्या कहते हैं, यानी पेरीट्राइकस। ये बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होगा किस आधार पर, लोकोमोटरी जो फ्लैजिला के आधार पर या लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार। अब आते हैं, एक एनिमल किंगडम में फाइलम प्रोटोजोआ है, एनिमल किंगडम में फाइलम प्रोटोजोआ है। फाइलम प्रोटोजोआ को दो ग्रुप में बांटा गया, इसको ध्यान, एक सिलिएटा है दूसरा फ्लैजिलेटा है। सिलिएटा में जो एनिमल रखे गए हैं सिलिया बियरिंग एनिमल रखे गए हैं, ध्यान रखेंगे, यानी एनिमल किंगडम में फाइलम प्रोटोजोआ को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक सिलिएटा दूसरा फ्लैजिलेटा। सिलिएटा ग्रुप में वे एनिमल आते हैं जो सिलिया बियरिंग एनिमल आते हैं, और फ्लैजिलेटा में आते हैं फ्लैजिला बियरिंग एनिमल आते हैं, इसको याद रखेंगे, यानी सिलिया और फ्लैजिला के आधार पर प्रोटोजोआ को दो ग्रुप में बांटा गया। ठीक, अब आते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ लिखा करेक्टर्स और यहाँ सिलिया और यहाँ फ्लैजिला, यानी सिलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर साइज की बात करते हैं तो सिलिया कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। सिलिया का देखिए, अगर ये फ्लैजिला है तो सिलिया ऐसे छोटा छोटा होगा, ठीक
ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं, साइज में ए स्मॉल होगा और ये लार्ज होगा। साइज यहाँ लिखा 5 से 10 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन। अगर नंबर की बात करते हैं तो सिलिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैंने लिखा है, और इसका फ्लैजिला 2 से 4 हो सकते हैं। अब अतः पोजीशन की अगर बात करते हैं तो ऑल ओवर बॉडी, पूरे सतह पर उसके, ऑल ओवर बॉडी सरफेस पे, और ये एट एंड, मतलब किसी एंड पर, चाहे इंटीरियर या पोस्टीरियर में पाया था। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब ये लोकोमोटिव ऑर्गन तो है, लिखा है मेंट फॉर लोकोमोशन, लेकिन किस तरह का लोकोमोशन कहते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी जो सिलिया जो है वे स्वीपिंग मूवमेंट करता है, क्या करता है, जिसको कहते हैं पेंडुलम लाइक, यानी पेंडुलम लाइक इस तरह का मूवमेंट करता है, ये इस तरह का ऐसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे देखिए पेंडुलम इस तरह का, ये इस तरह का मूवमेंट, एक मिनट, ये है ना, ये है तो इस तरह से ऐसे मूवमेंट करेगा, ये पेंडुलम लाइक मूवमेंट है। अब आते हैं इनडिपेंडेंट या अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है। अब आता है फंक्शन, हेल्प इन मूवमेंट और हेल्प इन मूवमेंट, और यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ भी स्ट्रक्चर बनाया गया, देखिए। अब आते हैं पार्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला कितने भाग से मिलकर बना है, ये पहले ध्यान रखिए। फ्लैजिला जो है 4 भाग से मिलकर बना होता है, कितने भाग से, 4 भाग से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट है सेफ्ट ओआर सिलियरी पार्ट, सेफ्ट ओआर सिलियरी पार्ट, ये फ्लैजिला का सेफ्ट या सिलियरी पार्ट है, ठीक। दूसरा पार्ट है बेसल प्लेट लाइक जो पार्ट होते हैं, ये यहाँ पर बेसल प्लेट लाइक पार्ट। तीसरा बेसल बॉडी है, या जिसको हम बिल्फेरोप्लास्ट कहते हैं। और चौथा पार्ट जो है रुकलेट पार्ट्स होता है, नीचे वाला सबसे दशा होता है, रुकलेट पार्ट्स होता है। अब आते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला आर बाउंडेड बाई यूनिट मेम्ब्रेन, जो सिलिया और फ्लैजिला बने होते हैं वो यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं, लिखा सिलिया एंड फ्लैजिला आर बाउंड, जो ये सिलिया और फ्लैजिला है ये यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसे होता है यूनिट मेम्ब्रेन से क्या होता है, समझ पा रहे हैं, यहाँ लिखिए यूनिट मेम्ब्रेन, देखिए यूनिट मेम्ब्रेन, सिलिया एंड सिलिया एंड फ्लैजिला आर बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, इसको देखिए। अब मैट्रिक्स ऑफ सिलिया, ये सिलिया का मैट्रिक्स है, आप सिलिया एंड फ्लैजिला मेड बाय माइक्रोट्यूबुल्स, अगर सिलिया फ्लैजिला का टीएस काटते हैं तो जो उसका खाली वाला बीच वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, लिखा मैट्रिक्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला मेड बाय माइक्रोट्यूबुल्स, या इसी को हम फाइब्रोसिस को याद रखिए। अब पूछा जाए कि सिलिया और फ्लैजिला का मैट्रिक्स किसके बना होता है, माइक्रोट्यूबुल्स या फाइब्रिल्स का बना होता है। अब देखिए यूकैरियोट्स में देखिए अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स 9+2 का, इसको याद रखिए, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए, यानी यूकैरियोट में जो सेल्स होगा या यूकैरियोटिक सेल्स होगा उसमें जो फ्लैजिला होगा उसमें जो मैट्रिक्स में जो फाइब्रिल होगा या प्रोटीन होगा उसका 9+2 का अरेंजमेंट होगा, अर्थात 9 जो है वो क्या होगा, पेरिफेरल होगा, जो डबलेट फैशन में होगा, DOUBLET डबलेट फैशन में, और 2 जो होगा वो सेंटर में होगा, वो सिंगल फैशन में होगा। जैसे देखिए ये यूनिट मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है पेरिफेरल है, यहाँ लिखा ये भी जो है पेरिफेरल जो बना होता है 2 सब फाइब्रिल ए से सब फाइब्रिल बी से बना होता है, जो डबलेट फैशन में, घेर गल डबलेट फैशन पेरिफेरल है, और से ये सेंट्रल है सिंगल फैशन में बना होता है, ठीक। ये रहा आपका साइटोलॉजी का सिलिया एंड फ्लैजिला वाला टॉपिक, इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे आपको।